नमस्कार, आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। तो आज मैं आप सभी को पोषण ट्रैकर ऐप में दो नई अपडेट आई है, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि वो दो नई अपडेट आने से आंगनबाड़ी सेविकाओं का काम आसान होने वाला है या और भी आंगनबाड़ी सेविकाओं का काम मुश्किल होने वाला है। तो सभी चीज़ें आपको इसमें क्लियर करके बताऊँगा किस प्रकार से जो दो नए अपडेट आए हैं उसको समझना है और उसमें किस प्रकार से आपको काम करना है। तो मैं आपको पोषण ट्रैकर ऐप की अपडेट किस प्रकार से करना है वो नहीं बताऊंगा, जो कि आपको पहले से ही पता होगा कि किस प्रकार से अपडेट करते हैं। जैसे कि प्ले स्टोर में जाके आपको पोषण ट्रैकर लिख के अपडेट का ऑप्शन आएगा, वहां से आप लोग जाके अपडेट कर लीजिएगा। तो इसमें काफ़ी चीज़ें समझाना है, इसलिए मैं आपको शॉर्टकट में आपको यहाँ पर बता दिया कि अपडेट किस प्रकार से करना है। तो चलिए, तो जैसे ही आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप को अपडेट करेंगे, अपडेट करने के बाद ओपन वाले बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए यहाँ पे होम पेज पे ही दो ऑप्शन आपको नया देखने को मिल जाएगा। यानी कि आपके होम पेज पे दो नए अपडेट को ऐड कर दिया गया है, जैसे कि पहला है बेनिफिशरी रजिस्ट्रेशन और दूसरा है होम विजिट शेड्यूल्ड। इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग भी हमारे इस चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल नोटिफिकेशन दबाने के बाद ऑल का बटन सेलेक्ट करके हमारे इस चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। क्योंकि पोषण ट्रैकर ऐप हो या कोई भी नया अपडेट आता है जिसके बारे में आपको सही टाइम पे आपको जानकारी देते रहता हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग पहले अपडेट के बारे में जानेंगे कि यहाँ पे पहला अपडेट जो बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन का दिया गया है इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही जितने भी आपने लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन किया है वो कैटेगरी वाइज खुल के यहाँ पे आ जाएगा। आने के बाद आपको इसमें मैं पूरी डिटेल्स में समझाऊँगा कि किस प्रकार से आप इस अपडेट के बारे में जान पाएंगे। तो वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको सारी अपडेट समझ में आएंगी। तो देखिए यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया है गर्भवती महिलाएं वाला, उस पर हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ सिंबल आपको शो हो रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे येलो कलर में सिंबल दिखा रहा है कि इसका मतलब क्या होगा। और देखिए ये जितने भी मॉड्यूल आपको दिख रहे हैं इन सभी मॉड्यूल में OTP वेरिफिकेशन करके सभी लाभार्थियों को एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा, जिससे कि वेरीफाई करेंगे तो ये जो सिंबल दिखा रहा है ये सिंबल हट जाएगा। जैसे कि सभी लाभार्थी किसी भी लाभार्थी को ओपन करेंगे तो सभी लाभार्थियों में ये सारी प्रॉब्लम दिख रही है। तो आपको सभी को बारी बारी करके जो मोबाइल नंबर डाले हैं उस लाभार्थी का, उस लाभार्थी के मोबाइल पर OTP जाएगा और OTP डाल के आप लोग इसको एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। करेंगे 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद प्रोफाइल अपडेट करने में जाएंगे। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि प्रोफाइल अपडेट में जाके हम लोग किसी भी लाभार्थी का नाम, मोबाइल नंबर, आधार संख्या, यहाँ से हम लोग कुछ भी चेंज कर लेते थे, बट अब यहाँ से हम लोग कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे। जो कि नया अपडेट आया है यहाँ से हम लोग कुछ भी चेंज करने जाएंगे तो आपको OTP वेरिफिकेशन मांगेगा। देखिए यहाँ पर आप जैसे कि नीचे दिया गया है LMP डेट, यहाँ पे जो गर्भवती महिला है उसका LMP डेट भरना है। ये भी एक नया अपडेट है, यहाँ पे पहले ये अपडेट नहीं था, लेकिन अब आपको यहाँ पे LMP डेट उस गर्भवती महिला का भरना होगा। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हम लोग कुछ भी अगर चेंज करना चाहें तो वो किस प्रकार से करेंगे और OTP वेरिफिकेशन कैसे आएगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पे किसी इस लाभार्थी के नाम को थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ से कुछ नाम हटा दे रहे हैं। हटाने के बाद यहाँ पे हम लोग जैसे ही सबमिट मारेंगे, देखिए सबमिट का ऑप्शन दिया गया है। जैसे ही हम लोग सबमिट करते हैं तो जिस लाभार्थी का मोबाइल नंबर जुड़ा होगा, जो नंबर सही होगा उस पर OTP जाएगा। देखिए यहाँ पर सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद देखिए यहाँ पे LMP का डेट भी मांग रहा है, तो LMP वाले डेट पे हमको क्लिक कर देना है। आपको जब भी आप लोग भरेंगे वो डेट आपको यहाँ पे शो करेगा।
तो यहाँ पे एलएमपी वाला डेट भी आज का डेट डाल दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही हम लोग सबमिट करेंगे तो सबमिट करते ही देखिए यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा गया, जो कि जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला है उस लाभार्थी का, यहाँ पे आपको उस लाभार्थी के मोबाइल से ओटीपी निकाल कर यहाँ पे आपको दर्ज करना है, तब ही आप कुछ इसमें चेंज कर पाएंगे। जो कि ये आज का बहुत बड़ा अपडेट है कि बिना ओटीपी के आप लोग अब कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 5 मिनट का टाइम दिया होता है कि 5 मिनट के अंदर आपको ओटीपी उस लाभार्थी के मोबाइल से निकाल के यहाँ पे ओटीपी दर्ज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन दिखा रहा है, ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे वेरीफाई करेंगे तो जो चीज़ भी आप वहाँ से चेंज करना चाहते हैं वो आसानी से कर पाएंगे, यानी कि बिना ओटीपी का अब काम होने वाला नहीं है। तो ये रही पहली अपडेट, और चलिए दूसरे अपडेट के बारे में जानते हैं। और देखिए दूसरा जो है होम विजिट शेड्यूल्ड, तो इसके बारे में भी बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर दोनों अपडेट में से आपको कोई भी अपडेट समझ नहीं आता है या और भी जो नए अपडेट आए हैं उसके बारे में आपको जानना चाहते हैं कि ये किस प्रकार से होगा, तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उस अपडेट के बारे में क्लियर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए हम लोग होम विजिट पर क्लिक करते हैं। जैसे कि होम विजिट में गृह भ्रमण के दौरान हम लोग जिस भी लाभार्थी के घर पे जाएंगे उसका डेट यहाँ पे भरना होगा। देखिए होम विजिट का पेज खुल चुका है, जो भी होम विजिट करना है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कितने संख्या है, किस लाभार्थी के घर पे होम विजिट करना है, और जिस पे होम विजिट नहीं है वो वहाँ पे 00 शो हो रहा है। तो चलिए जो स्तनपान कराने वाली माता है उस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं यहाँ पर देखिए टूडे ड्यू टूडे अपकमिंग और लेट, तो जैसे कि अपकमिंग वाले पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे 7 लाभार्थी है जिसका अपकमिंग यानी आने वाला डेट है, उस तारीख को हमको यहाँ पे होम विजिट करना है। तो देखिए यहाँ पे 5/9/2021 यानी आने वाला है, तो जो आने वाला डेट होगा उसका यहाँ पे अपकमिंग में दिखाएगा कि इस तारीख को इस लाभार्थी के घर पर होम विजिट करना है, और होम विजिट करके यहाँ पे जो ऑप्शन शो हो रहे होंगे वो उसी दिन खुलेगा जिस दिन उसका डेट रहेगा। तो उस दिन आपको वहाँ पे होम विजिट करके उस दिन का डेट आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद है लेट वाला ऑप्शन, जो कि डेट कोई आगे निकल जाता है उस दिन आप लोग वहाँ पे होम विजिट नहीं करते हैं, जैसे कि यहाँ पे 31/8/2021 दिखा रहा है यानी कि इसका डेट निकल चुका है, इसलिए ये इसको लेट वाले ऑप्शन में डाला गया है। यानी कि अगर आप लोग उस डेट को नहीं पहुंच पाते हैं होम विजिट में तो आप यहां पे लेट वाले ऑप्शन में ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इस लेट वाले ऑप्शन को अगर आप लोग किसी नेक्स्ट डे उसके घर पे जाते हैं तो यहां पे जो आई का बटन दिखा रहा है इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इस वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जिस दिन भी आप उस लाभार्थी के घर पर जाएँगे वो नेक्स्ट डे जाएँ या उसके आगे नेक्स्ट डे जाएँ तो उस डेट को यहाँ पे जैसे आगे और पीछे का डेट यहाँ पे देखिए सिलेक्ट नहीं हो रहा है, यानी कि उसी दिन का डेट यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे चूज करके सबमिट करेंगे तो ये लेट वाले ऑप्शन से हट जाएगा। तो ये रहा आपका दूसरा अपडेट, और भी इसमें थोड़ा बहुत अपडेट है जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानकारी सीखने को मिला होगा। तो वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।